हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, वो करेंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करें, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करें। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर कि करेंटली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो वी हैव द कार्ड ऑफ कम्युनिटी। हाउ आर दे फीलिंग फॉर यू? टोटल वैल्यू, इंटरेस्टिंग। एंड वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक बैलेंस नजर आ रहा है। आई विल टॉक अबाउट इट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल टू यू। दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड्स? ओके, सबसे पहली चीज व्यूअर्स यहाँ पर जो दिख रही है करंटली उनकी फीलिंग्स में, वो ये है कि कुछ तो ऐसा हुआ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसी एनर्जी मैं 3-4 दिन से पिक कर रही हूँ कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, समथिंग हैज हैपेंड विद यू, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हुआ है और ये रियलाइजेशन आपकी वजह से ही हुआ है। सडनली ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत वैल्यू रियलाइज कर रहा है आपकी, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, कहीं ना कहीं आप कितने स्पेशल हो, कितने खास हो, ये बात ऐसा लगता है इनको रियलाइज़ हो रही है, जो कि अब तक इनको रियलाइज़ नहीं हुई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अब तक इन्हें रियलाइज़ नहीं हुई थी, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। ऐसा लगता है कि अब तक इनके दिल में जो बात इन्हें समझ में नहीं आई थी कि आप इनके लिए क्या, कितना मैटर करते हो, या आपकी क्या जगह है इनके दिल में, या आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट बन चुके हो, धीरे धीरे इन्हें खुद भी समझ में नहीं आया था। जैसे हम किसी इंसान के साथ रहते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और धीरे धीरे उस इंसान की हमें आदत भी होती है, उस इंसान से हमें अटैचमेंट भी होता है, लेकिन हम फिर भी उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सोचते हैं कि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसके बिना भी अपनी लाइफ ईजीली चला सकती हूँ, चला सकता हूँ, आई डोंट नीड दिस पर्सन। तो क्या होता है कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, या कहीं ना कहीं उस पर्सन के बिहेवियर में कोई बदलाव आ जाता है, तब रियलाइज होता है कि इस पर्सन की जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तब पता लगता है कि ये इंसान कितना खास है, इस इंसान के रहने से जाने से कितना फर्क पड़ता है, और ये इंसान मेरी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है, इस इंसान की मेरी लाइफ में क्या जगह है, ये क्यों स्पेशल है और कितना इम्पॉर्टेंट है, फिर रियलाइज हो जाता है। क्योंकि फिर आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में कोई और उन्हें नहीं देखा, जो इनकी जेन्युइन केयर करे, जो जेन्युइनली इनसे प्यार करे, एक रोमांटिक पार्टनर जिसे कहते हैं, वो इन्हें ऐसा कहीं और दिखा ही नहीं। या आपने जो इन्हें प्रोवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ लव, प्यार में आपने इन्हें जो जो प्रोवाइड किया है, वो इन्हें कहीं और से प्राप्त नहीं हुआ, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी, कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिनसे ये उस तरह का प्यार एक्सपेक्ट कर पाए कि हाँ ये मुझे उतना प्यार दे पाएगी या दे पाएगा। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम एनीवन एल्स, क्योंकि कोई वो इंसान उन्हें वो प्यार दे नहीं पाता जो आप दे रहे थे। तो ऐसा लगता है कि सडनली समथिंग हैज हैपेंड, जिसकी वजह से आपके पर्सन को, मेल फीमेल वो कोई भी हो, उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। करंटली अपने किसी डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें पहले आपकी वैल्यू रियलाइज क्यों नहीं हुई, पहले उन्होंने फॉर ग्रांटेड क्यों लिया, इग्नोर क्यों किया, या कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट क्यों किया, डिसअपॉइंट क्यों किया, आपको हर्ट क्यों किया। अब उनको बहुत सारी बातों के लिए रिग्रेट हो रहा है।
बट सडनली आपकी वैल्यू भी समझ में आ गई है। ये भी हो सकता है कि आपकी वैल्यू इन्हें किसी और ने रियलाइज करवाई हो, किसी और ने इन्हें बताया हो, इनको आईना दिखाया हो, इनको मिरर दिखाया हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं। हो सकता है इनसे इन्होंने किसी से कुछ शेयर किया है और किसी ने इनसे ऐसा कहा है कि आप भूल कर रहे हो, आप इन्हें जाने दे रहे हो, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप पछताओगे। तो किसी के समझाने से भी ये हुआ हो सकता है कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो गया, सडनली आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस पता लग गई। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस बारे में अब ये सोच रहे हैं, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इट विद देयर फ्रेंड्स और समवन, ओके, कोई उनकी लाइफ में एक दो लोग ऐसे हैं या कोई एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा है या कोई तो ऐसा है जिसके साथ वो ओपनली सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ वो ओपनली सब कुछ शेयर करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली का कोई ऐसा मेम्बर हो सकता है, भाई बहन या कोई और, जो इनके साथ बहुत क्लोज है, ओके, जो इनके साथ बहुत क्लोज है और जिनके साथ ये अपने मन की सारी बातें कर पाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, जिनके साथ ही अपने दिल की सारी बात कर पाते हैं। तो मुझे लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं व्यूअर्स के, कहीं ना कहीं उनको अब रिग्रेट हो रहा है, अब वो क्या करें, किसी के साथ ये बातें वो शेयर कर रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और हो सकता है कि वो जिसके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं वो इनको एडवाइजेस भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में चर्चा बहुत हो रही है व्यूअर्स, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात बहुत हो रही है, सडनली आपकी वैल्यू, इम्पोर्टेंस सब कुछ हाईलाइट हो गई है इस सिचुएशन में और आप एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गए हो उनके लिए, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट यू ऑल द डे। ये पूरा पूरा दिन आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई बात करने के लिए नहीं है तो आपके बारे में सोच रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपके बारे में शेयर कर रहे हैं किसी से। इनको जो फील हो रहा है, इनको जो रियलाइज हो रहा है, इनको जो महसूस हो रहा है, वो किसी से शेयर कर रहे हैं। ये शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई इनको सही एडवाइस दे, कोई इनको समझाए कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने फ्रेंड्स को ऐसा ही बोल रहे हैं कि मुझे उनकी वैल्यू समझ में आ गई है, या कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हो गया है मेरी गलती थी, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिहेवियर गलत था। तो अपनी गलतियों को लेकर कहीं ना कहीं वो कुछ कन्फेस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसा ही कुछ कन्फेशन शेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड्स भी इनको कुछ एडवाइस कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर वो आपके बारे में बात कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि व्यूअर्स, आप एक बैलेंस्ड इंसान नजर आ रहे हो उनको, एक न्यूट्रल बैलेंस्ड पर्सन। बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल, रैशनल और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इमोशनलेस तो नहीं हो गए हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे हो। यानी कि आपने एक बैलेंस मेंटेन कर लिया है व्यूअर्स, आप अपने आप को एक स्टेबल एनर्जी में लेकर आ चुके हो जहाँ पर आप ओवर इमोशनल भी नहीं हो रहे हो, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे हो, एक बैलेंस मेंटेन करके अपने आप को स्टेबल रख रहे हो। और ये जो स्टेबिलिटी है, ये एक पीसफुल सिचुएशन है, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आप अपनी शांति में हो। अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहते हो, आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो अपने मेंटल पीस को, इसीलिए आप लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी इक्वली ध्यान दे रहे हो और लाइफ में इमोशनल एस्पेक्ट जो होना चाहिए उस पर भी 50% ध्यान दे रहे हो। अपना पूरा 100% जो एनर्जी है वो अपने इमोशंस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, 50% इमोशंस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, 50% बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों पर, लॉजिकल रैशनल डिसीजंस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपकी ये स्टेबिलिटी देख के आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यू आर कम्प्लीटली फाइन विदाउट दिस पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, ना ही आपको कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही आप अफेक्टेड हैं, ना ही आप बॉदर्ड हैं, ना ही आप इस बात को लेकर टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट भी नहीं हैं। हर्ट होने का भी एक फेज होता है, इंसान कब तक किसी बात का दुख मनाएगा, उसके बाद वो दुख से भी मूव ऑन कर लेता है, उस दुख से भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि अब आप दुख भी नहीं मना रहे हो, अब आप इतने भी हर्ट नहीं हो, इतने भी डिसअपॉइंटेड भी नहीं हो कि अब आप कोई कंप्लेन करो,
कोई इशू बनाओ, अब उतना भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, इतने स्टेबल हो गए हो। जब सामने वाला इंसान गुस्सा करता है, कंप्लेंट्स करता है, रोता धोता है, तब तक भी पता रहता है कि इसे हमसे शिकायतें हैं, इससे हमसे फ़र्क पड़ता है, इससे कहीं ना कहीं हमारी वजह से बहुत दुख होता है, या ये इमोशनली हमारे ऊपर डिपेंड हो गया है किसी तरह से, ऐसा होता है। लेकिन जब सामने वाला इंसान रिएक्ट करना ही बंद कर देता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, ना तो वो गुस्सा होकर दिखा रहा है, ना वो दुखी होकर दिखा रहा है, वो ऐसे जीने लगता है कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, जैसे जैसे मेरी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है, मेरी लाइफ तो वैसी ही चल रही है जैसी चलनी चाहिए थी, एक नॉर्मल रेगुलर डे। तो इस तरह का आपने अपने आप को स्टेबल बना लिया है कि आपको देखने से लग रहा है, या आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करने से लग रहा है, या आपके बारे में पता चलने से ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो बहुत ही नॉर्मल कैजुअल बीत रही है, आप ओवर ड्रामेटिक भी नहीं हो रहे हैं, ओके, ओवर यू नो अग्रेसिव भी नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं हो रहे हैं, आप तो नॉर्मल हैं। उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, यू नो एक एंग्री मोड में हो सकते हैं, शिकायतें होंगी आपको, रोना धोना होगा ढेर सारा आपकी तरफ, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अब यह वुमेन को फोकस मत कीजिए, होल्डिंग अ हार्ट एंड होल्डिंग अ कॉइन, देयर इज अ बैलेंस। नाउ यू नो हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, अब आपको समझ में आ गया है कि अपने खुद के इमोशंस को हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे खुद को चैनल किया जाता है, हैंडल किया जाता है, संभाला जाता है कैसे खुद को, कैसे अपनी खुशी की, अपने दुख की चाबी किसी और को नहीं दी जाती, वो कंट्रोल अपने पास ही रहना चाहिए। खुशी कब जनरेट होगी, दुख कब जनरेट होगा, वो आपके ही हाथ में होना चाहिए, ओके, इट शुड बी इन योर हैंड्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ये सब चेंजेस देखकर थोड़ा सा यू नो घबरा गए, और अचानक आपकी वैल्यू रियलाइज हो गई है, और आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है तो आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत नॉर्मल देख रहे हैं। अगर वो ऐसा कहेंगे सॉरी मैंने गलत किया, और आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सॉरी क्यों बोल रहे हो, तो उनको और बुरा लगेगा कि वो जो हुआ है वो आपको अब इतना बड़ा लग भी नहीं रहा कि कोई सॉरी बोले, आप उसे उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, आप उसे इतना बड़ा इशू मान ही नहीं रहे। कोई आपको धोखा दे, चीट करे, ये करे, वो करे, तकलीफ दे, और उसके बाद वो इंसान आपसे सॉरी बोलने आए, उसको लगे कि उसने आपकी ज़िंदगी खराब कर दी, उसने आपको तबाह कर दिया, और फिर वो आपसे सॉरी बोलने आए कि मेरी वजह से आपके साथ बहुत गलत हुआ, और आप कह दो कि क्या गलत हुआ, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता, सब ठीक ही है, मेरी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है। आप कैसे हो, आप बताओ, आप ठीक हो, ऑल गुड? तो इतना नॉर्मल आप उस सिचुएशन को कर रहे हो कि सामने वाला उस नॉर्मल सिचुएशन से अफेक्ट हो रहा है कि ये सिचुएशन नॉर्मल कैसे हो गई, उनके बिना सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी भी नहीं रही कि आप गुस्से से अफेक्ट हो जाओ या इमोशनल होकर अफेक्ट हो जाओ, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है। सो ये बातें उनको हर्ट भी कर रही हैं, ट्रिगर भी कर रही हैं, और सडनली ये बातें कारण बन रही हैं इस बात का कि उन्हें आपकी सडन वैल्यू रियलाइज हो रही है। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है और टेबल के बाहर गिरा है, ये कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, यू आर जस्ट बीइंग ऑर्डिनरी नेचुरल यू। आप बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ जी रहे हो, जैसे कुछ बड़ा नहीं हुआ, सिंपल वही करना डेली रूटीन, सिंपल बातें करना, सिंपली नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को अपनी बहुत ज़्यादा, तो एक कैजुअल नॉर्मल सिचुएशन की तरह आपने इसको हैंडल किया है। और ये बात जो है ये बहुत मैच्योर लोग कर सकते हैं जो आपने किया है, कहीं ना कहीं आपने ये भी नहीं बताया कि उनके गुस्से का कारण हो आप, कि उनके दुख का कारण हो आप, कि उनकी खुशी का कारण हो आप, आपने उन्हें कारण ही नहीं रखा अपनी लाइफ में किसी चीज़ का। अब आपने जानबूझ के किया है या नेचुरली ऐसा कर रहे हो, या आप कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा ऐसा सिर्फ उनको लग रहा है, ये अलग अलग बात हो सकती है, ओके। सो यू आर जस्ट बीइंग एन ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन, और ये बात भी उनको खल रही है, खटक रही है, बहुत इंटेंसिटी फील कर रहे हैं आपके लिए, एक इंटेंस कनेक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक इंटेंसिटी उन्हें आपकी तरफ फील हो रही है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें आपकी तरफ खींच रहा हो, ऐसे उन्हें आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है, दे आर फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स यू।
वेल साइलेंस, देर इज अ साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, नो टॉकिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट. व्यूअर्स, आप लोगों के बीच एक खामोशी नजर आती है, एक शांति है. नो वन इज टॉकिंग. आपके पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे. आप पता नहीं अफेक्ट हो रहे हो या नहीं, लेकिन आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो. तो आप दोनों के बीच एक वैक्यूम, एक साइलेंस नजर आ रहा है यहाँ पे. यूनियन चाहते हैं, इंटरनेट पर आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ऐसा लगता है इंटरनेट पर आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करेंगे. लेकिन ऐसा लगता है सोशल मीडिया का बहुत सहारा लेने वाले हैं आपके पर्सन, यूनियन के लिए, आपके साथ वापस एक होने के लिए. ओके, या सो लेट्स टेक सम चार्म्स एंड सम अल्फाबेट्स. सो वी हैव ए फॉर एप्पल एंड वी हैव डबल ए. तो हो सकता है, एक्चुअली वी हैव ट्रिपल ए. तो हो सकता है आपके और आपके पर्सन के नाम में डबल ए है, सिंगल ए है या ट्रिपल ए है. चांसेस है ए होने के. डी है, डी फॉर डॉल, एंड बी है, बी फॉर बॉल, एंड सी है फॉर द कैट, एंड जे फॉर जैम एंड जोकर. अल्फाबेट कैसे खाने लगी मैं. जे एंड एम. तो ये कुछ अल्फाबेट्स हैं, ट्रिपल ए, डी, बी, सी, जे, एम. ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं. ओके, और यहाँ पर ऐसा लगता है वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बिकॉज आई कैन सी द चार्म ऑफ लाइफ. आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, एक रोमांटिक ट्रैवल चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं. वापस से आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं और इस वक्त आप उनके दिल पर राज कर रहे हैं. ये बात किसी को नहीं पता है सिवाय आपके और सिवाय उनके. तो इस वक्त आप उनके दिल पर राज कर रहे हैं व्यूअर्स. इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड और इतना ज़्यादा इमोशनली पुल्ड आपकी तरफ फील कर रहे हैं. सो दिस वॉज द रीडिंग. और यह ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, इसीलिए साइंस को लेकर कन्फ्यूज मत होना. ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर.